होली का खुमारी सबके ऊपर चढ़ी हुई है, सर चढ़ के बोल रही है और अलग अलग रंग जो है होली के देखने को मिल रहे हैं। संत कबीर नगर में हमारे साथ मौजूद है गणेश चौहान जी, जो है धनघटा विधानसभा से विधायक भी हैं। और किस तरह से होली के रंग में आपसी भाईचारा की मिसाल एक कायम हो रही है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और आम पब्लिक है यहाँ की, और उनके साथ आज होली का जश्न मना रहे हैं। गणेश जी, होली में कितनी खुशी? बहुत बहुत हर्षोल्लास। जो समरसता का यह पावन पर्व है, पूरे आम जनमानस में सभी जाति पंथ संप्रदाय भूलकर जो इस पावन पर्व में अपनी सहभागीदारी दे रहे हैं, इससे प्रसन्नता का अनंत सीमा पार कर रहा है। बिल्कुल। और बताइए, क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के पर्व? बिल्कुल, जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाज व परिवारवाद को हटाकर सबका साथ सबका विकास को लेकर जो इस प्रदेश के नेतृत्व का, प्रदेश के मुखिया का जो संदेश है, उसी के साथ सबका समावेश बनाकर शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बारंबार अभिनंदन करना चाहता हूं, बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं इस पावन पर्व पर। ये समरसता है और यहाँ पार्टी और जो है जात धर्म छोड़कर सभी लोग एक साथ होली का पर्व मना रहे हैं। डिंकू मिश्रा जी हैं, आप बताइए इस होली पर गणेश जी का जो सरल स्वभाव है कि जनता के साथ बैठ के होली मना रहे हैं। कुछ कहना चाहूँगा, माननीय गणेश चौहान जी हमारे परिवार के बहुत पुराने सपोर्टर रहे हैं और उनका स्नेह उनके बाबा से हमको मिलता रहा, स्वर्गीय राम मूरत यादव जी से, राम सूरत चौहान जी, सॉरी बाप का नाम याद आता है, हेलो, स्वर्गीय राम मूरत चौहान जी से। और ये है मेरा छोटा भाई जो सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 20 शैलेंद्र यादव, ये दोनों ने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन किया है, बहुत ज़्यादा इंडिया लेवल पर नाम रोशन किया है, जिसके लिए मैं गणेश चौहान और शैलेंद्र यादव का जीवन भर ऋणी रहूंगा। शैलेंद्र चौहान जी, शैलेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और उनसे जानेंगे आज होली है और भाजपा और सपा मिलकर होली खेल रही है, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को होली की ढेर सारी बधाई देता हूँ। देखिए, ये रंगों का पर्व है, यहाँ पे हम लोग का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, ठीक है, हम लोग भाईचारे के साथ, ये हमारा मोहल्ला है, सभी रंगों को हम लोग घोल के अगर गुच्छ एक बनाना, हम लोग को गुच्छा तो हर प्रकार के फूल चाहिए तभी वो गुच्छा बन पाएगा। उसी प्रकार से सब समाज के लोग, यहाँ पे कोई जात पात या भेदभाव या दल गत की कोई बात नहीं है, हम लोग मोहल्ले के परिवार के घर के हैं, हमारे भाई है, भतीजा मेरा छोटा लगता है, हम लोग मिलके कल होली का कल इस पर्व कर हम लोग होली का एंजॉय करें, बाकी कहीं कुछ बात नहीं है। तो ये आपने देखा कि किस तरह समाज के जो, आप बताइए, आप कितनी खुशी हो रही है? मैं माननीय गणेश चौहान, माननीय शैलेंद्र यादव और माननीय विपिन जायसवाल जी का, इस सौहार्द का सारा स्नेह इन तीनों को जाता है, इन तीनों ने पूरे देश में हमारे देश का नाम रोशन किया है। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि होली पर इतना खुशी है, मेल जोल है, भाईचारा कायम है, इस होली को किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, होली का त्यौहार साल भर में एक मरतबा आता है और अपार खुशी है हम लोगों को, और माननीय श्री हमारे बड़े भैया गणेश चौहान जी विधायक बन गए, इसकी खुशी दुगनी हो गई है, हैं, इसलिए पूरे खलीलाबाद पूरे धनघटा वासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप बताइए, आप थोड़ा नज़दीक आइए, आप बताइए, ये होली का पर्व है, आपसी भाईचारा का संदेश दे रहा है और आप लोग भी संदेश दे रहे हैं, तो कितनी खुशी हो रही है इस होली को सौहार्द देख के? इस होली में जितनी भी खुशी है वो आपके मतलब मीडिया कर्मी या आपके कैमरा के सामने यहाँ पे बरधैया में जो भी खुशी है आपको नज़र आ रहा है, और रह गया कि मतलब हमारे बरधैया के हमारे श्री गणेश चौहान जी हैं, वो जा कर के 314 विधानसभा क्षेत्र धनघटा से विधायकी जो है लड़े, वहाँ से वो विजयी हुए हैं, उससे मतलब हम लोग से हमारे मोहल्ले वासों को मतलब इससे खुशी की कोई बात है ही नहीं, और जो भी खुशी है आज आप होली के दिन आप हमारे वार्ड में आए हैं, हमारे मोहल्ले में आए हैं,
जो भी खुशी है आप मतलब हमारे वार्ड में आप देख रहे हैं। तो ये खुशी का त्यौहार है और खुशी का रंग है। हमें माइक चाहिए। और हम जो ये कह रहे हैं मतलब भविष्य के जो है हमारे हमारे जो मतलब आने वाले समय में जो ये आपका मतलब 2022 में चुनाव जो हुआ है जो 24 में होने वाला है हमारे बड़े भाई हैं शैलेंद्र यादव जी हैं उनको हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब वो आज ये वो जिला पंचायत सदस्य हैं हम लोग यही चाहते हैं वो जिला अध्यक्ष हो जाए ये हम लोग इसी रूप में देखना चाहते हैं। तो अपनी अपनी खुमारी है अपना अपना जो है जोश है। और गणेश जी क्या मानते हैं कि इस होली में जो है जो आपसी भाईचारा दिखाई दे रहा है उस मैसेज के साथ अगला पाँच साल आपका कैसा होगा? बहुत ही शानदार। देखिए जिस प्रकार से लोगों का इसने आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी उम्मीद है मिलता रहेगा। क्षेत्र में अनवरत बने रहने के नाते सब में सामाजिक गतिविधि होने के नाते पहले से ही एक सामान्य परिवार से आप लोग ठीक प्रकार से जान रहे होंगे। एक मजदूर का बेटा रहने के नाते जिस प्रकार से लोगों का स्नेह मिल रहा है आशीर्वाद मिल रहा है मैं उम्मीद करूंगा ऐसे मिलता रहे और एक सेवक के रूप में मैं सबके बीच में उपस्थित रहूंगा यही संदेश देना चाहूंगा। आप क्या? मैं नागेश सनी नगर उपाध्यक्ष यही कहना चाहूंगा गणेश भैया जो थे संघर्षशील व्यक्ति थे आरएसएस में ठीक है संघर्षशील व्यक्ति थे आरएसएस में काम किए हम लोग को जगाएं जब हम लोग जगे छः की संख्या थी जूनियर हाईस्कूल में लगती थी अच्छा संख्या हुई बढ़ के 600 संख्या हो गई है ठीक है इस ज़िले में। गणेश भैया का यही संघर्ष था बस जगाना है अलग जगाना है लोगों को जगाना है और गणेश भैया को हम लोग चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। तो कुल मिला जुला कर खुशी का माहौल है और सारे लोग विधायक गणेश चौहान के साथ आपसी मतभेद भुला कर जो है एक बार खुशी की इजहार कर रहे हैं और होली का पर्व खुशी के साथ मना रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संत कबीर नगर।